नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू के प्रधानमंत्री के आह्वान का नागरिक कर रहे हैं सहयोग। जी हां, देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है। नगर के सभी राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठन के साथ साथ सभी शैक्षणिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रही हैं एवं जन जागृति कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के जनता कर्फ्यू का पालन करें और कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। इस विषय में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य के एस पांडे द्वारा समस्त स्टाफ को मास्क वितरित किए गए एवं सभी से आग्रह किया गया कि सावधान रहें, कोरोना को हराने के लिए जनता कर्फ्यू में योगदान दें। वहीं गंज वासौदा की विधायक लीना जैन ने कहा है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए उसकी चैन तोड़ना आवश्यक है, इसलिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और सर्दी खांसी होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। वहीं समाज सेवी अलका ओसवाल ने कहा कि सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठन मोदी जी के साथ हैं और हम निश्चित ही कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म कर देंगे। व्यापार महासंघ एवं राम श्याम रेडियो कंपनी द्वारा भी नगर में जन जागृति रैली निकाली गई। व्यापार महासंघ ने जनता कर्फ्यू के दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए आह्वान किया। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। स्टाफ को मास्क दिया गया है और सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक संदेश है जिसका सभी को समर्थन करना चाहिए, शत प्रतिशत पालन करना चाहिए, क्योंकि यह सभी के हित में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसको सभी को समर्थन करना चाहिए। आज मैं सभी महिलाओं और बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में जो ये महामारी आई है उसका हम सबको मिलकर और सतर्कता से और सावधानी से इसका सामना करना है। जैसे कि हम बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बराबर हाथ धोएं, बच्चों को बाहर कम से कम ले जाएं, हम लोग भी कम से कम बाहर जाएं, लोगों से कम मिलें, ताकि ये वायरस एक दूसरे में प्रवेश ना करे और इस महामारी पर थोड़ी रोक लग सके। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल आह्वान किया है कि हमको दिन भर घर में रहना है और 24 घंटे तक अगर हम एक दूसरे से संपर्क में कम रहेंगे तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ नहीं पाएगी और कड़ी कहीं पर टूटेगी और उससे मतलब हम इस महामारी पर जल्दी से काबू पा सकेंगे। ऐसा तो मैं महिलाओं को विशेष रूप से निवेदन करती हूँ कि वो बच्चों को विशेष ध्यान रखें और बुज़ुर्गों के भी सावधानी रखें, बुज़ुर्गों की भी मतलब सुरक्षा का ध्यान रखें, उनको बार बार हाथ धुलवाएं और कम से कम लोगों से मिलें जुलें और पूरी इस महामारी पर अगर हमको काबू पाना है तो सबको सतर्कता और सावधानी रखना होगी।